नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ, नव भारत आपके साथ, मैं हूं ज्योत्सना बेदी। 5G यानी 5 जनरेशन के शो में अब वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर दिन भर हलचल रहती है। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर ऊपर होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी ABCD आज मेरे साथ जुड़ने वाले मेरे रिपोर्टर्स आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे। आज सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए मेरे साथ मेरे रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। अभी सबसे पहले मैं जा रही हूँ कुंदन के पास, दिल्ली से कुंदन मेरे साथ मौजूद है। कुंदन, आज क्या बड़ी खबर है आपके पास? जो उसने थोड़ा बदलाव कर दूं, मैं दिल्ली से चलकर अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं, लेकिन जो मुद्दे हैं वही किसान के मुद्दे होंगे जो कि दिल्ली के बॉर्डर पे अलग अलग बैठे हुए हैं। और आज जो लखनऊ का इको ग्राउंड है वहां पे एक बार किसान अपने फिर आवाज़ को इको कराएंगे और सरकार को ये बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बाद तीनों बिल वापस हो जाएंगे, वो बिल वापस नहीं हो रहे हैं और वापस होने से किसान मानने वाले नहीं और उनकी लड़ाई अब अगले चरण में जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी के लिए कानून लाने के लिए मांग कर रहे हैं। और इसके अलावे उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के बाद इस लखनऊ चलो रैली का ऐलान हुआ था और जो लखीमपुर खीरी का जो मुद्दा था उनके लिए वो कह रहे हैं कि लगातार अभी भी वो मुद्दा वाकिफ है और गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा से कम उनको इस बात पर सहमति नहीं चाहिए। सो कुल मिला के संयुक्त किसान मोर्चा के हालांकि 40 यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ रहे, लेकिन राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं वो होंगे और उनके साथ आधे दर्जन से करीब बड़े नेता होंगे, लेफ्ट के हनन मुल्ला से लेकर डॉक्टर दर्शन पाल से लेकर राजवीर सिंह दल्लेवाल से लेकर बड़े नेता होंगे। और उत्तर प्रदेश की जमी से जहां पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और सटा हुआ पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव होने हैं, किसान मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सरकार को घेरेंगे और मुझे लगता है कि आज के सेंसेक्स में एक बार फिर इस खबर की चर्चा रहेगी। बिल्कुल, किसान आंदोलन कब खत्म होगा ये बड़ा सवाल है। आज लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत होनी है। राकेश टिकैत ने चलो लखनऊ का नारा दिया है। लखनऊ से मेरे सहयोगी कुंदन आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे, मेरे साथ रंजीता भी जुड़ गई। रंजीता, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आज कौन सी खबर ऊपर रहने वाली है, क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए आज ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि शाम 6 बजे तक वो दिल्ली पहुंचेंगी, लेकिन उनके अलावा TMC के कई सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। त्रिपुरा में जिस तरह से हिंसा हो रही है, जिसका लगातार न सिर्फ दिल्ली में बल्कि अलग अलग जगहों पर TMC प्रोटेस्ट कर रही है पूरे मामले को लेकर, और सबसे बड़ी बात ये कि TMC लगातार इस पूरी हिंसा के लिए BJP सरकार को जिम्मेदार मान रही है और जिम्मेदार बता भी रही है। TMC की जो सबसे बड़ी जो आज की बात अगर की जाए कि आज की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, ममता बनर्जी दिल्ली आ ही रही है, लेकिन इसके अलावा जो सांसद यहाँ दिल्ली पहुँच रहे हैं वो धरना देंगे और उनकी ये मांग रहेगी कि शीतकालीन सत्र जो शुरू होने वाला है उसको लेकर इस पूरे मुद्दे पर शीतकालीन सत्र में चर्चा हो और जो वायलेंस वहां चल रहा है उसको किसी तरह से रोका जाए, क्योंकि TMC ये कह रही है कि ये सब BJP के इशारे पर हो रहा है। ऐसे में शीतकालीन सत्र में एक तरह से BJP को घेरने की TMC की ये पूरी तैयारी है और दिल्ली में आकर ममता बनर्जी ये भी कोशिश करेगी कि दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इस मुद्दे पर TMC के साथ खड़ी नजर आए। TMC मांग करेगी कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, शीतकालीन सत्र में सरकार की क्या प्रतिक्रिया आएगी ये देखने वाली बात होगी। बस शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट ना चढ़े, देशवासी यही चाहते हैं। आदर्श के पास जा रही हूं, आदर्श मेरे साथ मौजूद है। आदर्श, क्या बड़ी खबर है आज? देखिए, आज यूपी से दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जो है वो आज 2 दिनों के दौरे पर यूपी आ रहे हैं, जिसमें पहले दिन यानी आज के दिन वो गोरखपुर में रहेंगे और दूसरे दिन कल कानपुर में रहेंगे। आज के दिन गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और बूथ लेवल पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इस बात को लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ वो गोरखपुर और उस मंडल के कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। कल का जो पूरा दिन होगा वो कानपुर में होगा और JP नड्डा ने खुद ये कहा है कि वो गोरखपुर की जिम्मेदारी लेंगे, यानी बूथ लेवल पर कैसे पार्टी को मजबूत करके आने वाले विधानसभा चुनाव में 2022 में कैसे मजबूत किया जा सकता है और उसकी रणनीति कैसे तैयार की जाएगी उसकी जिम्मेदारी उन्होंने खुद गोरखपुर से ली है। तो निश्चित तौर पर गोरखपुर का दौरा बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। कल वो कानपुर में भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे।
दूसरी खबर जो निकल कर आ रही है वो भी यूपी चुनाव से जुड़ी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुद्दीन के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने ये कहा है कि अब चूंकि सरकार ने किसान बिल वापस लिया है तो अब CAA NRC का जो बिल है उसको भी वापस लेना चाहिए। निश्चित तौर पर इसको आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने भी कहा है कि अगर बिल वापस नहीं लिया जाता है तो वो यूपी में धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेकर राजनीति तेज हो गई है और माना जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही इस तरीके की बातें की जा रही हैं और इस तरीके कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आदर्श आप नजर रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। मेरे साथ पुलकित नागर भी इस समय लाइव मौजूद है। पुलकित, आज अरविंद केजरीवाल पंजाब जा रहे हैं, अयोध्या, गोवा, उत्तराखंड के बाद आज मिशन पंजाब पर क्या कार्यक्रम है? देखिए, दो दिन का ये दौरा है, मोगा रहेंगे और अमृतसर जाएंगे। ये दौरा इसलिए ज्यादा अहम हो जाता है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के बिल वापस लेने की घोषणा की है उसके बाद पंजाब का ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। और यही वजह है कि आज कुछ बड़ी घोषणाओं का ऐलान अरविंद केजरीवाल वहां कर सकते हैं। चुनाव से जुड़ी हुई ये घोषणा होंगी। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल कई वादे, चुनावी वादे वहां पर कर चुके हैं, जो बिजली से जुड़े हुए हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं। तो आज की क्या बड़ी घोषणा अरविंद केजरीवाल करने वाले, ये अहम हो जाता है। दूसरा, इसमें अमृतसर भी वो कल जाएंगे जहां मीडिया से बात करेंगे और एक बार फिर से वो किसानों से जुड़े हुए तीनों बिलों का मुद्दा उठा सकते हैं, क्योंकि पंजाब के किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। ऐसे में अगर आप पंजाब से जुड़े हुए किसानों के बारे में कुछ कहते हैं तो वो आज की दृष्टि में अहम हो जाता है पंजाब की राजनीति में। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से ये रहने वाली है कि पॉल्यूशन जो दिल्ली में लगातार हालात खराब बनाए हुए है उसको लेकर एक अहम बैठक आज 12 बजे होने वाली है, जिसमें अभी तक जितने भी काम दिल्ली सरकार ने किए हैं, जितने भी कदम दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, उन पर एक रिव्यू मीटिंग होगी और ये जाना जाएगा कि उनके कितने फायदे हुए या कोई फायदा हुआ भी या नहीं, जिसमें स्कूल बंद करने से लेकर एसेंशियल सर्विस को छोड़कर बाकी ट्रकों की एंट्री रोकना और दिल्ली सरकार के जितने भी दफ्तर हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना, तो आगे ये सब कुछ जारी रहेगा या फिर इसमें कुछ और बदलाव की जरूरत होगी, इस पर पूरी चर्चा होगी। और साथ ही मौसम विभाग के साइंटिस्टों से यह भी समझा जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या हालात होने वाले हैं, क्या तेज हवा चलेगी, बारिश की कोई संभावना है या नहीं, क्योंकि हमेशा यह माना गया है दिल्ली के अंदर कि जब भी तेज हवा चली है या बारिश हुई है तो पॉल्यूशन का जो लेवल है वो घटा है, तो इसको भी जाना जाएगा। यानी कि आने वाले एक महीने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी इस मीटिंग में कि क्या क्या कदम उठाए जाए ताकि दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार परेशानी जो खड़ी कर रहा है वो कम हो। जी, तो ये दो खबरें पुलकित नागर हम तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो मिशन पंजाब पर आज रहेंगे, अरविंद केजरीवाल का क्या क्या कार्यक्रम है ये बता रहे थे पुलकित, और साथ ही पॉल्यूशन जो दिल्ली में लगातार हालात खराब किए हुए हैं इसको लेकर अलग अलग विशेषज्ञों से, अलग अलग जानकारों से बातचीत एक मीटिंग में होनी है और आगे की स्ट्रैटेजी सरकार की तरफ से बनाई जाएगी और जो अभी तक कदम उठाए गए हैं बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए उसको लेकर भी रिव्यू किया जाएगा कि वो कितने सही साबित हो रहे हैं। पुलकित, पंजाब पर मैं वापस लौटती हूँ। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, ये तमाम पार्टियां हैं जिनके बीच में कड़ा मुकाबला रहेगा और पुलकित पंजाब में तो आम आदमी पार्टी मुख्य पार्टी रहने वाली है इस बारी विधानसभा चुनाव में। तो ये नजर टिकी है कि आज जब अरविंद केजरीवाल संबोधित करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या बड़े वादे केजरीवाल की तरफ से किए जाएंगे पंजाब की जनता से? देखिए, काफी बड़ी तरीके से रणनीति आम आदमी पार्टी ने बनाई भी है और बदली भी है। दो वजह इसकी यह है, पहले मैनिफेस्टो आता था उसमें तमाम वादे रखे जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार कोशिश ये की जा रही है कि एक एक मुद्दे पर लोगों के बीच में जाकर बात की जाए और उसका असर देखा जाए कि उन मुद्दों का क्या असर होने वाला है, उसके बाद में सबको कंपाइल करके एक मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। पहला बदलाव यह है। दूसरा बदलाव यह है कि बहुत जल्द आम आदमी पार्टी पंजाब में एक बड़ा चेहरा देने की बात कह रही है, तो वो उसकी तरफ कितना बढ़ते हैं अरविंद केजरीवाल और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र करते हैं या नहीं, ये दो अहम चीजें होने वाली है। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात आप बोलकर बता रहे हैं। उत्तराखंड में भी जब PC कर रहे थे अरविंद केजरीवाल तो उन्होंने कहा था कि अलग अलग पार्टियों को आपने देखा है बंद AC के कमरों में बैठकर मैनिफेस्टो तैयार हो जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो लोगों के बीच जाती है, उनकी जरूरतों के बारे में पूछती है, उसके बाद अपना घोषणा पत्र तैयार करती है। मेरे साथ गुरप्रीत चिन्ना भी समय मौजूद है। गुरप्रीत, क्या खबर है आज आपके पास? बिल्कुल, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में लगातार राजनीति
राजनीतिक हलचल हो रही है। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी लुधियाना में वर्कर्स की मीटिंग ले रही है, जिसमें हरीश चौधरी भी होंगे, मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी भी जाएंगे वहां पे। और ये भी बोला जा रहा है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू है वो भी प्रेजेंट होंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल हो रही है लगातार। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात की पुष्टि कर दी कि वो पटियाला से लड़ेंगे, वो नवजोत सिंह सिद्धू के कारण पटियाला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 400 सालों से लगातार पटियाला के लोगों से उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है और इस बात को लेके वो पटियाला के लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे। आप गुरप्रीत का फ्रेम फ्रीज हो गया, मैं वापस उसके उनके पास जाऊंगी। मेरे साथ राधिका हैं, बॉम्बे से जुड़ी हैं। राधिका, क्या खबर है आज आपके पास? जी हाँ, समीर वांखेड़े के पिता के द्वारा जो याचिका दायर किया था डेफेमेशन केस के ऊपर, उसका आज ऑर्डर निकलेगा। मालिक का ये कहना है कि समीर वांखेड़े मुस्लिम है और सर्टिफिकेट फौज किया है, वो अपने आप को शेड्यूल कास्ट बता रहे हैं और उसकी आधार पर उनको नौकरी मिली। यही मालिक का एलिगेशन है दोनों तरफ से। ये याचिका के ऊपर दोनों तरफ से, वांखेड़े और मालिक की तरफ से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। अभी जो हियरिंग खत्म हुआ उसमें मालिक ने स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, एडमिशन सर्टिफिकेट प्रेजेंट किए और वांखेड़े ने भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट है। आज पता चलेगा क्या कोर्ट नवाब मालिक को आगे ट्वीट करने में रोक लगा सकती है, ये आज पता चलेगा। क्योंकि आज हाईकोर्ट ये वांखेड़े के पिता के याचिका पर आज डिसीजन लेगी। बिल्कुल, कुछ दिनों पहले नवाब मलिक ने एक सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े का जारी किया था जिसमें नाम में बीच में दाऊद लिखा हुआ था। उसके बाद उनकी वाइफ ने, वानखेड़े की वाइफ ने एक सर्टिफिकेट जारी किया, उसमें दाऊद नहीं लिखा हुआ था। बहरहाल, बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि केस पर सुनवाई, कितने बजे सुनवाई होनी है राधिका? 5:30 बजे आज इनफैक्ट डिसीजन होगी। आज ऑर्डर है, जो आर्ग्यूमेंट्स हुई है पिछले एक दो हफ्ते में वो कंक्लूड हुई है। और आर्ग्यूमेंट्स के बीच में कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया था, जो डॉक्यूमेंट नवाब मालिक ने प्रेजेंट किया था यानी कि ट्वीट किया था, वो डॉक्यूमेंट्स में कुछ करेक्शंस थे, कुछ उसी में दिख रहे थे। उसके ऊपर भी कोर्ट ने स्ट्रिक्टली नवाब मालिक को बोला था कि इसमें इंटरपोलेशन है यानी कि इसमें करेक्शंस है, तो ये कैसे जेन्युइन है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस कोर्ट ने भी उठाए थे, तो आज पता चलेगा। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि नवाब मलिक को कोर्ट से राहत मिलती है या आफत उनके लिए बढ़ती है। ये तो अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जब शुरू होंगी तो हम आप तक एक एक अपडेट पहुंचाएंगे ही। हम अब पटना चलते हैं, वहां से साकेत मेरे सहयोगी जुड़े हैं। पटना से क्या खबर है आज साकेत? देखिए, पटना से जो बड़ी खबर आज है वो है लालू यादव से जुड़ी हुई खबर है। कल लालू यादव की पटना के सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी होनी है, इसे लेकर आज लालू यादव पटना पहुंचेंगे। और चूंकि लालू यादव ये जो मामला है चारा घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है और बांका ट्रेजरी से जो निकासी हुई थी उसी को लेकर ये सुनवाई होनी है, तो आज इंतजार है। जब शाम तक ये बताया जा रहा है कि लालू यादव पटना पहुंचेंगे और उसके बाद कल 11 बजे के बाद जो सीबीआई कोर्ट है पटना व्यवहार न्यायालय के अंदर, वहां पर लालू यादव की पेशी होगी। सशरीर लालू यादव वहां पर उपस्थित होंगे और इस पेशी में वो शरीक होंगे। ऐसे में जिस तरह से पिछले कई सालों से उन्होंने सजा इस मामले में काटी है, कई अलग अलग मामले में, अब चूंकि जो बांका ट्रेजरी से निकासी मामला था उसे लेकर ये सुनवाई होनी है और उस पर आज लालू यादव पटना पहुंचेंगे इसी को लेकर। ठीक है साकेत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। मेरे साथ गौरव श्रीवास्तव भी मौजूद हैं। गौरव, आपके पास आज क्या खबर है? देखिए ज्योत्सना, जब से कोविड शुरू हुआ उसके रोकथाम के लिए देश में कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हुआ और देश में 82% जनसंख्या को जो है 82% लोगों को पहली डोज और 43% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। लेकिन इसके बावजूद कुछ राज्यों में कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद सुस्त है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों की बात करें जिसमें मेघालय है, नागालैंड है और इसके अलावा पुडुचेरी, इन राज्यों में अभी भी 70% से कम जो है वो पहली डोज जो है वो कोविड वैक्सीन की लगी है। और इसी वजह से इन सभी की समीक्षा के लिए आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है और इसमें यही समीक्षा की जाएगी कि किस तरीके
से कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार को और बढ़ाया जा सकता है। हम ये जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में सरकार ने हर घर दस्तक अभियान भी शुरू किया है और वो लोग जो अभी तक पहली डोज भी नहीं लगवाने जा सके हैं या जिनकी दूसरी डोज भी बाकी है उनके घर घर जाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये देखने को मिल रहा है कि अभी वैक्सीनेशन को लेकर कुछ राज्यों में स्थिति ठीक नहीं है, जिसको सुधारने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। हालांकि ओवरऑल हम बात करें तो तकरीबन 116 करोड़ वैक्सीन जो है पूरे देश में लगाई जा चुकी है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं साबित हो पा रही है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो पहली डोज से दूसरे डोज का जो बीच का वक्त था वो भी पूरा हो गया, उसके बावजूद वो लोग नहीं पहुंचे। कुछ लोगों के स्वास्थ्य कारणों की वजह रही, कुछ लोगों के मन में जिन राज्यों की आप बात कर रहे हैं जहां पर वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है वो मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी है। जी, यही राज्य है, ये इसमें से पूर्वोत्तर के 3 राज्य हैं और इसके अलावा एक यूटी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। इन चारों ही जगहों पर जो है अभी वैक्सीनेशन की पहली डोज की जो प्रतिशत है वो भी 70% से कम है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी क्योंकि सरकार का लक्ष्य था कि कम से कम इस साल के अंत तक तो पूरे देश को जो है वो फुली वैक्सीनेट कर लिया जाए, लेकिन वो सभी संभव होगा जब इसकी रफ्तार और बढ़ाई जाए और रणनीति में बदलाव किया जाए, क्योंकि हर घर दस्तक अभियान चलने के बावजूद भी लोग जरूर उनके घरों तक स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी जनसंख्या, अगर हम प्रतिशत के लिहाज को छोड़ दें और संख्या के लिहाज से देखें तो एक बड़ी जनसंख्या जो है वो अभी भी कोविड वैक्सीनेशन से महरूम है। बिल्कुल, देखिए जब 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ था देश में वैक्सीनेशन का तो फिर मनसुख मांडविया ने ये बात कही थी कि अब जिन लोगों को दूसरी डोज नहीं लगी है हमारी प्रायोरिटी ये है कि उनको दूसरी खुराक दी जाए, लेकिन जिस तरह गौरव अभी हमें जानकारी दे रहे हैं कि अभी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर लोगों को पहली खुराक तक नहीं लगी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उनमें जो है मेघालय नागालैंड मणिपुर और पुडुचेरी शामिल है। समीक्षा होगी वैक्सीनेशन की प्रगति को लेकर, हर घर दस्तक अभियान शुरू किया है सरकार ने, उस अभियान को भी आगे सरकार बढ़ाती हुई नजर आ रही है, उसी के तहत उसी कड़ी में इस समीक्षा बैठक को भी देखा जा रहा है। पुलकित मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। पुलकित, आज जो पॉल्यूशन को लेकर राजधानी दिल्ली में बैठक होनी है उससे मुतालिक थोड़ा सा और अपडेट दीजिए, कितने बजे मीटिंग शुरू है? देखिए, 12 बजे मीटिंग शुरू होगी क्योंकि अगर हम देखें आज का दिल्ली का AQI लेवल तो वो 312 है, जो बहुत ही ज्यादा डेंजर माना जाता है। यही वजह है कि इस बैठक को बहुत अहम आज माना जा रहा है। अभी तक के जितने भी फैसले थे, चाहे वो स्कूल बंद करने को लेकर हो, स्कूल ऑनलाइन करने को लेकर हो, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं दिल्ली के वो वर्क फ्रॉम होम करने को लेकर हो, और साथ ही कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि AQI लेवल जब भी खराब हुआ है ये देखा गया है कि डस्ट पार्टिकल उसमें बड़ी भूमिका अदा करते हैं। यही वजह है कि जैसे ही पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा तो तुरंत कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा सरकार ने उन ट्रकों को भी आने से रोक दिया जो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर नहीं आते हैं। बॉर्डर पर अगर हम देखें तो बहुत लंबी कतार लगी हुई है इन ट्रकों की, तो ऐसे में ये भी देखा जाएगा कि अगर मौसम विभाग ये जानकारी देता है कि आने वाले दिनों में बारिश या तेज हवा जो आज भी चल रही है चलती रहती है तो पॉल्यूशन में कमी आ सकती है, तो हो सकता है कि ऐसे में उन ट्रकों को दिल्ली में एंट्री दे दी जाए या कुछ फैसलों में परिवर्तन किया जाए। तो तमाम, चाहे वो दिल्ली के व्यापारी वर्ग हों, चाहे स्कूल या ऑफिस से जुड़े हुए लोग हों, उनकी निगाहें इस मीटिंग पर आज लगी हुई हैं क्योंकि इन्हें लेकर प्राइवेट कंपनियों को भी ये कहा गया था, सरकार ने कहा था कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉई से वर्क फ्रॉम होम करा सकते हैं तो इसी की तरफ वो बढ़े जब तक कि दिल्ली में पॉल्यूशन कम ना हो जाए। वाहनों की वजह से ज्यादा पॉल्यूशन होता है, सरकार की कोशिश ये थी कि लोग कम से कम अपने वाहन का इस्तेमाल करें ताकि जो वाहनों से पॉल्यूशन होता है उसमें कमी आए। यही वजह है कि दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या भी बीच में बढ़ाई गई है। तो आज की ये मीटिंग 12 बजे जो होनी है उसमें तमाम एजेंसियां, चाहे वो पॉल्यूशन से जुड़ी हुई एजेंसियां हों, चाहे वो मौसम विभाग से जुड़ी हुई हों, वो अपनी रिपोर्ट दिल्ली के जो मंत्री हैं गोपाल राय उनके सामने रखेंगे और उसके बाद में ये फैसला होगा कि आने वाले दिनों में किन किन कदमों को और बढ़ाना है, यानी कि किन किन बड़े फैसलों को लेने की जरूरत है। बल्कि दिल्ली वासी इस चीज को लेकर भी चिंतित हैं कि कहीं इस मीटिंग में उसके बाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई बात सामने रखी जाती है तो वीकेंड लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को लेकर सरकार आगे बढ़ती ना नजर आए। पुलकित, बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप खबरों के सेंसेक्स